नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल जंक्शन और इस सेशन में हम बात करेंगे आईपीएल के कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स की जिनको आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। तो चलिए आज बात करते हैं पर्पल कैप की, जो पूरे टूर्नामेंट में लीडिंग विकेट टेकर होता है, उसको दी जाती है। लेकिन आज हम ऐसे दो गेंदबाजों की बात करेंगे जिनके बीच ये रिकॉर्ड टाई हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज ड्वेन ब्रावो की और सनराइजर्स हैदराबाद के मुख्य गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की, जिन दोनों ने अन्य सभी आईपीएल में खेल रहे गेंदबाजों से ज्यादा और दो बार पर्पल कैप को अपने पास रखा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ड्वेन ब्रावो की, जो चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जिनकी काबिलियत पर कप्तान धोनी काफी भरोसा करते हैं और ऐसा ही चैंपियन ब्रावो ने करके भी दिखाया। तो चलिए सबसे पहले बात 2013 के आईपीएल सीजन की, जिसमें उन्होंने 18 मैच खेले, 7.95 के इकोनॉमी रेट्स के साथ 32 विकेट चटकाए। और बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात करें तो मुंबई इंडियंस के खिलाफ 4 ओवर में 42 रन देकर 4 विकेट चटकाए। तो वहीं 2015 में इन्होंने इस सीजन में सीएसके के लिए फिर टूर्नामेंट में 17 मैचेस खेले और सबसे ज्यादा 26 विकेट चटकाए। इकोनॉमी रेट की बात करें तो 8.14 का इनका इकोनॉमी रेट रहा। वहीं इनकी बेस्ट बॉलिंग फिगर देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स के टीम के खिलाफ आया था, जो 22 रन देकर 3 विकेट का था। चलिए बात करते हैं भुवनेश्वर कुमार की, जिन्होंने 2016 में 17 मैच खेले और 23 विकेट चटकाए। तो पूरे टूर्नामेंट में इनका इकोनॉमी रेट 7.42 का रहा। इनका बेस्ट बॉलिंग फिगर की अगर बात करें तो 29 रन देकर 4 विकेट, जो कि गुजरात लायंस टीम के खिलाफ थे। तो वहीं 2017 में भुवनेश्वर कुमार ने सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते हुए पर्पल कैप को जाने नहीं दिया और खेलते गए। 14 मैचों में 7.05 के इकोनॉमी रेट से 26 विकेट चटकाए। अगर बात करें इनके बेस्ट बॉलिंग फिगर की तो 19 रन देकर 5 विकेट इन्होंने लिए। इनके T20 करियर का ये बेस्ट फिगर है, जो किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ आया। तो देखा आपने किस तरीके से इन दोनों गेंदबाजों ने आईपीएल का ये पर्पल कैप को अपने पास दो बार रखा है और ये अनोखा रिकॉर्ड बरकरार रखा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आईपीएल के सभी अपडेट पाने के लिए खेल जंक्शन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।